अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुचिता, पापा कोर्ट पहुंच गए हैं, हम भी 10 मिनट में बस पहुंच ही जाएंगे। भैया जल्दी चलाइए ना। क्या हुआ भैया, ऑटो क्यों रुक गया? लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? हे भगवान, भैया हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, चल। भाई साहब, भाई चालू हो गया है। आपको निहार के जिन कागजात पर दस्तखत कराने हैं अभी करा लीजिए, क्योंकि उसके बाद निहार को जेल पक्की। वो सब कुछ हो चुका है, अब हम कोर्ट में मिलते हैं। निहार जी आप चिंता मत कीजिए, आप देखिएगा अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे एक बहुत बड़ा सबूत मिला है। सबूत? ऐसा क्या सबूत मिल गया इसे? निहार को मैं इतनी आसानी से जेल से बाहर आने नहीं दे सकती। ये दौलत मैं अपने हाथों से इतनी आसानी से नहीं गवा सकती, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। अच्छा है, बस किसी भी हाल में तुम उन दोनों को कोर्ट पहुंचने मत देना। वो कोई है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। रुचिता, सबूत लेके भागो यहाँ से, इन्हें मैं देखता हूँ। रुचिता जाओ, वरना निहार के साथ जाएगा। भैया ये डंडा लीजिए। मैं निहार जी को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं ये सबूत उन तक पहुंचा के रहूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। गुड मॉर्निंग योर ऑनर। योर ऑनर, ये केस पानी की तरह बिल्कुल साफ है।
ये शख्स जो कटघरे में खड़ा है इनका नाम निहार गोयल है और इन्होंने मेरी क्लाइंट अप्सरा जी की सास ललिता देवी का खून किया है। इतना ही नहीं, और पुलिस के सामने मिस्टर निहार गोयल ने अपना जुर्म कबूल किया। आप चुप क्यों हैं मिस्टर गोयल? आपके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है क्या? आपने ललिता जी का खून किया है? सुचिता अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? हे खाटू महाराज, रुचिता की रक्षा कर। चमत्कार मेरे सामने खड़ा। जब भी मैं ना उम्मीद होता हूँ तो तुम उम्मीद की नई किरण बनकर आती हो और मुझे दुगनी हिम्मत दे देती हो। रुचिता, जय बजरंगबली। मिस्टर गोयल, आप चुप क्यों हैं? क्या आपके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है? कोई ऐसा है जो आपकी मदद कर रहा हो? चत साहब, मुझे बस दो मिनट और दे दीजिए, मेरी मदद के लिए कोई आने ही वाला। दोबारा किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, शायद कोर्ट से हो। भैया, आप उठा के बोले कि हम बस दो मिनट में पहुंच रहे हैं। हाँ, हेलो हेलो, अब तक कोई आवाज नहीं आ रही है। मैं पापा को मैसेज करता हूँ। मिस निहार, आप कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। साफ साफ बोलिए, क्या आप अपना गुनाह कबूल करते हैं? क्या आपने ललिता जी का खून किया? आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ बिछड़ने का कोई रिवाज ही ना हो। I love you, रुचिता। I love you. I love you too, निहार जी. I love you too.
जब भी मैं ना उम्मीद होता हूँ तब तो उम्मीद की नई किरण बनकर आती है और मुझे दुख नहीं हिम्मत देती है। मुझे मेरा गुनाह कबूल नहीं है। मेरे पति बेगुनाह है, उन्होंने किसी का खून नहीं किया और सबूत मैं अपने साथ लेकर आई। अच्छा, सबूत मेरे साथ पेन ड्राइव में भी था, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि वो उसे बर्बाद कर देगा, इसलिए मैं सबूत अपने साथ फोन में भी लेकर आई। ओके, इनके फोन को टीवी से कनेक्ट कीजिए। इस वीडियो से साफ हो जाएगा कि मेरे निहार जी बेगुनाह है, क्योंकि निहार जी पे जिस शख्स के मौत का इल्जाम लगा है वो शख्स जिंदा है, वो बिल्कुल ठीक है जज साहब, उसे कुछ नहीं हुआ है। ललिता जी जिंदा है, वो बिल्कुल ठीक है। इसमें ही वीडियो था भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? वीडियो भाग गया, मैंने खुद देखा ललिता जी जिंदा है, इसमें वीडियो था, पर ऐसा कैसे? कहां है ललिता जी इसमें? योर ऑनर, ये सब सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद करने की कोशिश है, कोर्ट को गुमराह करना चाहते हैं ये लोग। ये क्या तरीका है, कोर्ट को मजाक समझ रखा है आपने? नहीं जज साहब, मैंने खुद वीडियो देखा, इसमें वीडियो था, पता नहीं कैसे कहां चला गया। मेरे पास तो पेन ड्राइव में भी सबूत था, लेकिन कुछ गुंडों ने उसे बर्बाद कर दिया, और वो गुंडे भी अप्सरा नहीं भेजे होंगे जज साहब, मेरे पास था वो सबूत, मैं लेकर आ रही थी। ये कैसी बेहुदा इल्जाम लगा रही है आप मुझ पर रुचिता जी? जज साहब, मैं तो अपने माई की मौत के दुख से अभी तक उभरी भी नहीं हूँ, मैं भला अकेली जान क्या कर सकती हूँ? कैसे हो सकता, मैंने खुद देखा वीडियो, इसमें कुछ था, तुम एक बार डाउनलोड्स में देखो, फाइल्स में चेक करो, हो सकता है कुछ मिल जाए। वीडियो खा गया, ऐसे कैसे हो सकता? इसमें तो कुछ भी नहीं है। जितना ढूंढना है ढूंढ लो, वीडियो तो तब मिलेगा ना जब तुम्हारे पास होगा। हेलो छोटू, तुम्हें अपना साइबर कैफे खोलना है ना? हाँ खोलना है ना। तो एक काम कर, तू एक फोन को हैक कर अभी की अभी, और उसमें से एक वीडियो डिलीट कर अभी की अभी। फोन तो मैं हैक कर लूंगा, बस वो इंसान एक बार अननोन नंबर से कॉल उठा ले और मेरे से सिर्फ 5 सेकंड के लिए बात कर ले। ठीक है, उसके लिए तो यही सही समय है, उसका नंबर मैं अभी सेंड करती हूँ। रुचिता, दोबारा किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, शायद कोर्ट से हो। भैया आप उठा के बोले कि हम बस 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। हेलो हेलो, बस बहुत हो गया, कोर्ट अब अपना फैसला सुनाएगी, क्योंकि मुजरिम ने अपना गुनाह खुद कबूल किया है और इनके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। इसलिए कोर्ट मुजरिम निहार गोयल को उम्र भर की। जज साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं
मैं अपने पति को बेगुनाह साबित करके रहूंगी जलसा, बस एक मौका दे दीजिए प्लीज। कुछ नहीं किया है मेरे पति ने, बस एक मौका। जस्ट साहब क्या तमाशा लगा रखा है इन्होंने? अदालत इन लोगों को इस तरह की नौटंकी करने की इजाजत नहीं दे सकती योर ऑनर। प्लीज जस्ट साहब, आपका ही कानून कहता है ना कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। प्लीज जस्ट साहब एक मौका दे दीजिए, बस एक मौका दे दीजिए प्लीज। प्लीज जस्ट साहब, भले ही इस बात सबूत मिटा दिए गए हों लेकिन अगली सुनवाई में हम जरूर सबूत लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन ये आखिरी मौका है आपके पास। मैं अगली सुनवाई की तारीख देता हूं, लेकिन अगर अगली सुनवाई पर आप सबूत पेश नहीं कर सकी तो मुलजिम निहार गोयल को उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। The court is adjourned. निहार जी, मैं हार नहीं मानूंगी। निहार जी, मैं आपको बाहर निकलवा के रहूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। रुचित, तुम प्लीज ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। मेरे बाद तुम ही बच्चों का सहारा हो। नहीं नहीं प्लीज, ऐसे मत कहिए। हम दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश करेंगे और ये वादा है मेरा आपसे। क्या मैं? लेकिन रुचिता प्लीज दादी जी, नहीं तो वो लोग निहार जी को थर्ड डिग्री देंगे और निहार जी को कुछ भी हो सकता है। दादी जी आप प्लीज चले जाइए। मैं यार आगे संभालती हूँ और बच्चे भी अभी स्कूल गए, ये बिल्कुल सही मौका है। प्लीज दादी जी आप जाइए, नहीं तो निहार जी को कुछ हो जाएगा। ठीक है। इस रुचिता के कैमरे को तो मैं तोड़ के रहूंगी। कितनी बार बोला है आपको इस कमरे से बाहर मत निकलिए। आपको पता है उस चालाक लोमड़ी के हाथ आपकी तस्वीर लग गई थी। अंदाजा भी है ये कितना बड़ा सबूत है हम दोनों के खिलाफ। अप्सरा, अब कहीं मुझे जेल तो नहीं हो जाएगी? उसकी नौबत नहीं आएगी। अभी तो मैंने किसी के साथ मिलकर इंतजाम करके सब कुछ संभाल लिया है। इंतजाम किसके साथ? वही जिसने आपको मुर्दा घर से निकाला था, मेरा पुराना बचपन का दोस्त। चलो उठो, जाने का वक्त हो गया है। मैंने दूसरे बॉडी का बंदोबस्त कर लिया है, लेकिन आपको अप्सरा का वादा याद है ना? ये झमेला खत्म होते ही मैं अप्सरा से शादी करूंगा। वो मेरे बचपन की दोस्त है। तुम उसकी चिंता मत करो, बस अप्सरा की ऐसे ही मदद करते रहो, वो एक ना एक दिन जरूर मान जाएगी। उस दिन उसने मदद की थी आपको मुर्दा घर से निकालने की, अब वही मदद करेगा मेरी निहार को मुर्दा घर पहुंचाने की। अब बस सब कुछ प्लान के मुताबिक हो जाए। वैसे मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए हैं ताकि वो रुचिता नाम का कीड़ा हमारे बीच ना आ सके। बाकी अब पूरी तरह सतर्क रहिए। इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अप्सरा ने एक एक कैमरा को ढूंढ के बंद कर दिया है। तो बस एक ही तरीका है, We'll be right back.
लगता है अप्सरा ने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। अब क्या करूं मैं, अंदर कैसे जाऊं? अगर खिड़की तोड़ने की कोशिश की तो अप्सरा को पता चल जाएगा। क्या करूं मैं, कैसे अंदर जाऊं? खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, कैसे अंदर जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई तो रास्ता दिखाइए। अरे हाँ, मैं तो भूल गई, आज पास में एक पाठ है। क्या बदतमीजी है, मेरी बेटी की पेंटिंग मुझे वापस दो। पेंटिंग चाहिए तेरे को? ले 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 ले। मैं भी देखता हूं तू कैसे पेंटिंग लेता है। इंस्पेक्टर साहब का फोन है आपके लिए। तेरी आरती तो मैं आज रात में उतारता हूँ। कैमरा ऑन कर देती हूँ, जैसे ही ललिता जी दिखेंगी मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। मुझे एक एक करके सारे कमरे देखने होंगे और जैसे ही ललिता जी दिखेंगी उसके बाद मैं उसे बेहोश कर दूंगी और उसके बाद सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी, तभी मेरे निहार जी रिहा हो पाएंगे। बस 6 दिन बचे, इन 6 दिनों में या तो मैं और रुचिता उम्र भर के लिए साथ हो जाएंगे या फिर हमेशा के लिए जुदा। अभी मैं तुझे ऐसी खबर देने वाला हूं उसके बाद तेरा गुस्सा और तेरा तेवर ही नहीं तेरे होश भी उड़ जाएंगे। तेरे लिए खास तोहफा आया है, देख ले। क्या ये फास्ट ट्रैक हो गया? सिर्फ 2 दिन बचे तेरे पास, फिर तू और तेरी तनाई इन जेल की दीवारों से बातें करना। इसके बारे में मेरे परिवार को पता है? ये लेटर पहुंचा है मेरे परिवार तक? हाँ, मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है। मैं हार नहीं मान सकता, मुझे लड़ना होगा, मुझे रुचिता को किसी भी तरह इसके बारे में बताना होगा, मगर कैसे? निहार जी,
आपकी सुनवाई में सिर्फ 7 दिन रह गए और इन 7 दिनों में मैं ललिता जी और अप्सरा के झूठ का पर्दाफाश करके रहूंगी। माई, ये लो मुंह मीठा करो, खाओ। अपना काम हो गया, अब मुकदमा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। मैंने कहा था ना, पैसों के आगे बड़े बड़े झुक जाते हैं, देखा झुक गए ना। लेकिन याद रहे, मुकदमा फास्ट ट्रैक होने वाला है, सुनवाई जल्दी होगी। इस बात की खबर कोयल निवास तक पहुंचनी नहीं चाहिए। अब वो बेचारी रुचिता सबूत इकट्ठा करने के चक्कर में दर बदर भटकेगी और उसके नाक के नीचे से निहार को जेल हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक तो हमारे हाथ कोई सबूत नहीं लगा, हमारा वकील भी पता नहीं कहाँ चला गया। पापा जी दिल्ली गए नई वकील से बात करने के लिए और इस शहर में कोई भी वकील हमारा केस लेने के लिए तैयार नहीं। सर 6 दिन रह गए केस के लिए, क्या करूं मैं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। खाटू जी प्लीज मदद कीजिए। भाई आप ठीक है? ये क्या तरीका है किसी से ऐसे पेश आने का? इंसानियत नाम की चीज नहीं है तुम्हें थोड़ी सी भी? अरे थोड़ी सी इंसानियत दिखा दोगे तो क्या चला जाएगा? भाई आप ठीक तो है ना? यार तू मेरी फिक्र छोड़, लेकिन तू ये बता कि तेरे जैसे पढ़े लिखे लोग कब से यहाँ अपना डेरा जमाने लग गए? क्या बताओ, क्या चुरा क्या है? कुछ नहीं, बस किस्मत का मारा हूं, उसी की सजा काट रहा हूं। अरे वाह, घर के खाने की खुशबू। हाँ, मेरी बीवी ने आज सुबह टिफिन भेजा था, आपको भूख लगी है तो आप खा लीजिए। सच? अरे वाह दोस्त वाह, इतने सालों में ना या तो बाहर का खाना खाया है या जेल का, घर के खाने का तो स्वाद ही भूल गया। क्या बात है, क्या बात है, घर के खाने की बात ही अलग है। तुम खाओ। नहीं आप खाइए। यार तूने ना खाना खिला के ना मुझको खरीद लिया, बहुत बड़ा एहसान किया तूने मुझ पे। अगर जिंदगी में कभी भी कोई काम पड़े ना, कोई भी मदद की जरूरत हो मेरे को बोलना। छोटू हर काम करता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक काम तो है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। आखिर क्या काम है? दरअसल मुझे अपनी बीवी तक एक खबर पहुंचानी है, इसलिए मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। बस क्या काम हो जाएगा? क्या हो जाएगा? छोटू के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सच? हाँ हो जाएगा 100%। छोटू भाई आ गया, मैं जल्दी आपका बिल करवाता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे मेरा छोड़, पहले अपने दोस्त का काम कर। फोन लाएगा? हाँ लाया ना भाई, ला इधर। फिर अगली बार नहीं करेगा। ये वकील फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये फोन किसका आ रहा है बार बार? हेलो 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 रुचिता, मैं निहार बोल रहा हूँ। निहार जी आप? सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा केस फास्ट ट्रैक हो चुका है। क्या? हाँ और कल ही सुनवाई है, मैं बाद में फोन करता हूँ। लेकिन ये
क्या वल्लर साहब, लगता है मैं आपको ज्यादा ही पसंद आ गया हूँ। बार बार उठा के ले आते हो, लगता है मेरे बगैर आपका थाने में दिल नहीं लगता। वल्लर साहब माफ कर दो ना, अगली बार नहीं करेगा साहब। आने दो ना सर, अब हाजिरी चलो टाइम हो गया। चलो हाँ तू जा, तू जा, चल चल चलो भाई चलते हो, क्या काम हो गया? क्या हुआ रुचिता, क्या कहानी आ रही? दादी जी हो ना हो, इस अप्सरा ने ही वकील को पैसे देकर केस फास्ट ट्रैक करवाया, वरना हमें हमें पता चल गया होता और उसने हमें बताने के लिए मना किया होगा। नहीं तो दादी अभी तक हमारे पास नोटिस आ गया होता। हाँ रुचिता, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास सिर्फ आज रात का ही समय है। आज रात मैं अप्सरा की नींद खराब करके रहूंगी। रुचिता और पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, अप्सरा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मिस्टर शर्मा, क्या आपके पास निहार गोयल को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत है? सॉरी सर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत ढूंढोगे तो मिलेंगे ना सबूत, या आपने भी पैसे खा के अपना मुंह बंद कर लिया? ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर निहार साइलेंस। सबूतों के अभाव में ये अदालत मिस्टर निहार गोयल को मुजरिम करार नहीं है। मेरे निहार जी बेगुनाह है और सबूत मैं अपने साथ लेकर आई हूं जज साहब। ललिता जी की हत्या नहीं हुई है, ललिता जी बिल्कुल ठीक और जिंदा है और इस वक्त इस बोरी में बंद है। इंस्पेक्टर, इस बोरी को खोल के देखिए क्या है इसमें। यस सर। आई एम सॉरी जस्ट साहब, मैं ऐसे लेकर आई हूँ ललिता जी को, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे डर था कि ये कहीं भाग ना जाए, इसलिए मैं इनको ऐसे बोरी में बंद करके लेके आई। ललिता जी थी, फिर तुम कैसे आई? हाय दया, पहले तुम्हारे पति ने मेरे माई को मार डाला, अब तुम मुझे मारना चाहती हो? सब सर ने उस एक्सीडेंट के टाइम में कुछ किया। ओए बाहर निकल। भैया, अरे भैया, वहां में लेट क्यों हो रहे हो? भैया
प्लीज शांत हो जाइए। मैंने देखा था आप भी गलत साइड से आ रहे थे, सिर्फ उनकी गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन जल्दी निकालो। रुचिता जी, आपने कोर्ट को मजाक समझ रखा है क्या? पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक आप मोबाइल में सबूत लेकर आई थी, तब भी कुछ नहीं निकला, और आज यहाँ इस बोरी में पीड़ित की बहू को लेकर आई हैं। क्या चल रहा है ये सब? कोर्ट का समय बर्बाद करने और नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में मैं आपको जेल भेज सकता हूँ। नहीं जज साहब, मेरा यकीन कीजिए, ललिता जी जिंदा है, इस बोरी में वही थी। इस अप्सरा ने कुछ किया है जज साहब, इस अप्सरा ने कुछ किया है जज साहब। पहले इन्होंने मिलके मेरी माई को मार डाला, अब ये मुझे भी मारना चाहते हैं। जज साहब मुझे इंसाफ दिलाइए, जज साहब मुझे इंसाफ दिलाइए। जज साहब ये झूठ बोल रही है, मुझे सच साबित करने का एक मौका दीजिए, मैं सच साबित करके रहूंगी। ये अब जरा झूठ बोल रही है जज साहब, झूठ बोल रही है ये। योर ऑनर, कितने और मौके दिए जाएंगे खूनी की पत्नी को? रुचिता जी यहाँ कोर्ट में झूठ पर झूठ बोले जा रही है, और ये मिस्टर निहार गोयल अपना गुनाह कबूल करने को तैयार ही नहीं है। योर ऑनर, इन्होंने मेरी क्लाइंट अप्सरा जी की सास का खून ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने और भी बहुत से गुनाह किए हैं। योर ऑनर, मिस्टर निहार गोयल ने पहले खुद अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल किया था, और फिर अदालत में सुनवाई के दौरान अपने बयान से बदल गए। योर ऑनर, इतना ही नहीं, मिस्टर निहार चाहते थे कि मेरी क्लाइंट अप्सरा जी उनकी पत्नी बन के रहे, और जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तो योर ऑनर उन्होंने निहार जी ने अप्सरा को बहुत मारा पीटा। ये रहे उसके सबूत। ये झूठ बोल रही है जज साहब, मेरे निहार जी ऐसे कभी नहीं कर सकते। वो किसी औरत पे हाथ उठाना तो दूर किसी का अपमान भी नहीं कर सकते जज साहब, झूठ बोल रही है ये सब झूठ है। जज साहब, रुचिता बिल्कुल सही कह रही है, मेरा पोता ऐसा है ही नहीं, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। ऑर्डर, इतना ही नहीं, इन्होंने धोखेबाजी से अप्सरा जी की सास का बेटा बनकर उनके गांव की जमीन हड़पने की कोशिश भी की। योर ऑनर, अप्सरा जी के पति जब इन्हें आग से बचाने के लिए गए तो इन्होंने उनके पति को आग में झोंक दिया, और इसीलिए इन्होंने एक नहीं योर ऑनर बल्कि दो दो लोगों को मौत के घाट उतारा है, और इसीलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे आदमी के लिए मौत से कम कोई सजा हो ही नहीं सकती। आखिरी बार बोल रहा हूँ, कोर्ट की गरिमा को बनाए रखिए। रुचिता जी, आपको दो मौके दिए गए, आपने दोनों गवा दिए, अब केस आईने की तरह साफ है। तमाम सबूतों, गवाहों और वकील साहब के तर्क को सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि निहार गोयल जैसे लोग इस समाज के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। लिहाजा ये अदालत निहार गोयल को आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। ही शुड बी हैंग टिल डेथ। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। नहीं, 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 नहीं
जज साहब जी क्या क्या बोल रहे हैं आप? मेरे निहार जी ने कुछ नहीं किया है। जज साहब आप इतनी बड़ी फांसी जैसी सजा कैसे सुना सकते? जज साहब मेरे निहार जी ने कुछ नहीं किया है। जज साहब मेरी बात तो सुन। जज साहब प्लीज एक मौका दे दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मैं सबूत ला के दूंगी आपको। कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है। रुचिता आफिर तो मुझे भागनी चाहिए, मैं कुछ नहीं कर पाया, ना मैं तुम्हारा साथ दिला पाया और ना ही बच्चों को पिता का प्यार दे पाया। चलिए पीछे चली जाओ रुचिता, चली जाओ। बेटा वो पापा को काम से वहीं रुकना पड़ा, वो कुछ दिन बाद आ जाएंगे। लेकिन आपने तो कहा था ना आप पापा को लेकर आओगे, आपने हमसे झूठ बोला। हमने इतनी सारी तैयारी की, हाँ
हमने सब कुछ इतने अच्छे से सजाया था, सब बेकार हो गया। जूही, आपके पापा जरूर आएंगे, बहुत जल्द आएंगे पापा। नहीं चाहिए आपका झूठा प्रॉमिस। मैं जा रही हूँ। जूही। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं जूही को समझा दूंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पापा को जरूर आओगे। रुचिता, नरेश तो अपने किसी दोस्त के यहाँ नया वकील ढूंढने दूसरे शहर गया हुआ है। 2 दिन में पूनम आ जाएगी, हम उसे क्या जवाब देंगे? मैं अभी भी कह रही हूँ कि हम पूनम को सब सच बता देते हैं। नहीं दादी जी, हम माँ को अभी कुछ नहीं बता सकते। माँ निहार जी के लिए मन्नत मांगने गई, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, हम अभी उन्हें कुछ नहीं बता सकते, लेकिन सही मौका देख करके हम उन्हें सब बता देंगे। लेकिन तब तक माँ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए दादी जी। दो दिन बाद आना था, 2 दिन पहले ही आ गई। घर में सबको अच्छा सरप्राइज मिलेगा। ये टेंट कैसा है? जरूर बच्चों ने बनाया होगा, ये बच्चे भी ना। हुई मेरे ऊपर, इस घर की मालकिन के ऊपर पानी फेंकने की? मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही है। निकल, निकल मेरे घर से। इसे जागने के लिए पानी डालना जरूरी था। सपने से तो मैं तुझे जगाती हूं। निहार, प्रतीक, प्रतीक के पापा, इधर आइए। कहाँ है सबके सब? देखिए, इस लड़की ने जिस पर बड़ी दया दिखाई थी ना आप लोगों ने, मेरे ऊपर पानी फेंका है। इस घर की मालकिन के ऊपर पानी फेंका इसने। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।